और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, माफिया मुख्तार की बेनामी संपत्ति पर अब एक्शन यहां पे लिया गया। गाजीपुर जिला प्रशासन ने यहां पे एक्शन लिया। आपको बता दें कि मुख्तार की मां की बेनामी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। डीएम के आदेश पर 3,50,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मुनादी कर पुलिस ने कुर्की का ऐलान किया है। तो ढोल बजाकर माफिया मुख्तार की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार 2.0 एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। चाहे माफिया हो चाहे खास हो, अगर अवैध संपत्ति पर कब्जा किया है तो वहां पर कार्रवाई होगी और लगातार ये संदेश देने की भी कोशिश, और इस कार्रवाई से माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो ढोल बजाकर माफिया मुख्तार की संपत्ति को जब्त कर दिया गया। डीएम ने यहां पे आदेश दिया था, मुख्तार की मां की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। गाजीपुर की तस्वीरें जहां पर माफिया मुख्तार पर एक्शन यहां पे लिया गया है। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के IS-191 गैंग के अपराधी माफिया मुख्तार अंसारी पुलिस सुबहानुल्लाह अंसारी निवासी गाजी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के मौजा मोहम्मद पट्टी महुआबाग स्थित बेनामी अचल संपत्ति को कुर्क किया जाता है। IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माता जी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है।